में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। उप स्वास्थ्य केंद्र भुजोली बुजुर्ग डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत। कुशीनगर जनपद के खड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत भुजोली बाजार उप स्वास्थ्य केंद्र भुजोली बुजुर्ग खड्डा क्षेत्र की उप केंद्र पर एनएम द्वारा डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। बताते चले कि एनएम अनुसार बताया जाता है कि दो डिलीवरी आई थी, एक में तो माता और बच्चा स्वस्थ थे लेकिन दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई थी। नौरंगिया के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। मामला ये बनता है कि एनएम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा रेफर किया गया था, लेकिन मामला क्या रहा कि एनएम को नौरंगिया किसी निजी हॉस्पिटल पर भेजना पड़ा। ये मामला कई तरह अहम सवाल उत्पन्न करता है। पहला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटा डिलीवरी के लिए सुविधा उपलब्ध है, फिर भी नाजी हॉस्पिटल क्यों? कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं? मीडिया के कर्मियों द्वारा अथक प्रयास के बाद जन्म रूबरू हुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा प्रभारी डॉक्टर प्रभु कुमार का कहना है कि डिलीवरी के दौरान दिक्कत या अपना सुविधा होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना चाहिए था। यदि लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत होती है तो इसके जिम्मेदार एनएम होगी। प्रमोद पांडे, कुशीनगर, हिंदुस्तान न्यूज 24। डिलीवरी नॉर्मल हुई है, उसका भी बच्चा मतलब होने के वक्त कोई दिक्कत नहीं था, वो भी बच्चा सैलम डॉक्टर को दिखाया गया, उसके बाद से मतलब 2 घंटे बाद कोई कमी सामने नहीं आई है क्या? नहीं, कम सब कोई कमी सामने। किस डॉक्टर को दिखाया आपने? इनको दिखाया गया नौरंगिया। नौरंगिया कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर का नाम पता है आपको? आपने रेफर किया था बच्चे को दिखाने के लिए? जैसे हमने रेफर किया था वहाँ, मतलब हमारा अधिकार है जिला पहले ही और PSC को, तेलो तत्काल में वहाँ पे ले जाके दिखा दिया अपने माध्यम से। गार्जियन ले गए थे?